ये डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनी इन्फॉमेशन एंड फैक्ट सच एज़ नंबर वर्ड्स मईरमेंट ऑब्जर्वेशन और इवन डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स ठीक है अब डेटा क्या है ये किसी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है फैक्ट्स भी हो सकते हैं ठीक है फैक्ट्स मींस हक जिसमें नंबर्स हैं वर्ड्स भी आ सकते हैं मईरमेंट्स भी हो सकती हैं ऑब्जर्वेशनस भी हो सकती हैं इवन के डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स भी हो सकती है ठीक है चीज़ों को डिस्क्राइब करना कि ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें किसी भी चीज़ का कोलेक्शन को ना वो हम जो है ना वो डेटा बोलते हैं ठीक स्वेंट्स स्टूडेंट्स ना स्वेंट्स पेज नंबर वन सिक्सटी पे अनग्रुप्ड डेटा ठीक दी डाटा विच प्रोवाइडर्स इन्फॉर्मेशन और डाटा पॉइंट्स इंडिविजुअली इज नोन एज अनग्रुप्ड डाटा ठीक है जिसमें हम एक इंडिविजुअली बात करते हैं एक एक बात एक एक चीज़ की बात करते हैं ठीक है ये जो दी जैसे ही एक प्लेयर है सबके के लदा लहदा जो है ना वो रानस जो है ना वो लिखे हुए इंडिविजुअली हर प्लेयर की जो है ना वो बात हो रही है अगर हमारे पास ये डाटा है तो इंडिविजुअली है सबका ठीक है नाउ स्टूडेंट्स द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्ड डाटा द डाटा विच इज गिवन इन इंटरवल्स और ग्रुप्स प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा ठीक है अब ये जो है ना ग्रुप में हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ठीक है जैसे आप स्कूल के बारे में तो पूरी क्लास वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है क्लास के अंदर जो है ना वो पूरे बच्चों की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन है एक की अगर किसी अकॉर्डिंग से उनके दी जा रही है ठीक है किसी सेलेक्शन में दी जा रही है तो वो एक ग्रुप डाटा हो गया ठीक इधर भी उन्होंने दिए हुए हैं ये जो है ना एयर प्लेयर्स के जो है ना वो रन्स बताए हुए हैं ठीक है जीरो से नाइनटीन तक ये सिक्स ने किए हैं ट्वेंटी से थर्टी नाइन तक ये थ्री ने किए हैं ये एक ने किए हैं ये किसी ने भी नहीं किए और एटी से नाइन्टी नाइन तक ये भी एक प्लेयर ने किए हैं ठीक है अब ये रनस के बारे में ना तो ये ग्रुप में है ठीक तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है ना वो ग्रुप में आ गई नाउ नाउस क्वेश्चन नंबर टू अब्जर्व दॉबल्स आईडेंटिफाई आइडेंटिफाई एज ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी टेबल्स ठीक है अब ये हमने बताना है ये ग्रुप्ड है कि अनग्रुप्ड है ठीक ये देखें कि अब नेम ऑफ स्टूडेंट्स ना ये सब की जो है ना वो अलहदा अलहदा बात हो रही है ठीक है इंडिविजुअली सब की बात हो रही है दिस मीन दिस इज अनग्रुप्ड ठीक फ्रेंड्स ये हमारे पास अनग्रुप्ड हो गया अब हम टेबल नंबर टू को देखें तो ये हमारे पास जो है ना वो सबकी जो है ना एक ग्रुप बना हुआ है वन से लेके ट्वेंटी तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं फाइव के ट्वेंटी वन से फोर्टी में कितने आए हैं दस बच्चों के ये सब जो है ना एक जो है ना वो ग्रुप में बात हो रही है ठीक है एंड दिस इज ग्रुप्ड ठीक स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स थर्ड थर्ड में देखें तो इधर भी ग्रुप में प्राइज ऑफ टॉयज इतने टॉयज हैं ठीक है, है? वन से लेके हंड्रेड तक जो है ना वो प्राइज है ठीक है और ये इतने फोर्टी जो है ना वो है उसकी ठीक एक टॉय शॉप के अंदर के वन से लेके फोर्टी तक जो है ना हंड्रेड तक जो है ना वो फोर्टी टॉयज़ हैं फिर इतने इतने टॉयज हैं कह लें कि एक ग्रुप बना हुआ है ठीक है प्राइस का जो है ना वो अकॉर्डिंग टू प्राइस जो है ना वो एक ग्रुप बना हुआ है कि वन से आप ऐसे शॉप में भी देख सकते हैं कि हंड्रेड तक जो होती है ना वो एक तरफ उ कर सकते हैं उससे टू हंड्रेड तक वो ए, एक जगह पे प्लेस कर सकते हैं टॉयज़ की इट्स मीनस के दिस इज़ ग्रुप ठीक ये जो है ना इंफॉर्मेशन हमारे पास है ग्रुप्ड में दिस टेबल शो द डिस्टेंस कवर्ड अबास इन अ वीक ठीक है अब ये इंडिविजुअली हर डे की जो है ना वो लहदा लहदा जो है ना वो बात हो रही है ठीक है मंडे की लहदा से ट्यूसडे की लहदा से वेनसडे की तो ये सारी लहदा लहदा और ये इंडिविजुअल हर डे की बात हो रही है दिस मीन दिस इज अनग्रॉप्ड ठीक सु नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट डिसक्रिएट वेरिएबल एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल ठीक है अब इनकी भी हम डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं आपको ईजी हो जाएगा बस आपने बताना है इसमें से कौन सा डिसक्रिएट है कौन सा कॉन्टीन्यू है स्टूडेंट्स पेज नंबर 161 पे डिस्क्रिएट की डेफिनेशन अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर ऑप्टेन बाय काउंटिंग वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू जो होती है ना काउंट काउंट करके आ सकती है देखें देखें ब्लू मार्बल इन अ जार हम इन्हें काउंट कर सकते हैं ठीक है नंबर ऑफ टेल्स व्हेन फ्लिपिंग द कॉइन ठीक है कितनी दफ़ा जो होती है ना वो टेल आती है ठीक है कॉइन को फ्लिप करते हैं ना ऊपर तो वो हैड और टेल आता है इसको हम भी हम काउंट कर सकते हैं कितनी दफ़ा जो होता है ना वो टेल आता है कितनी चिल्ड्रन है कितने बच्चे हैं फैमिली के अंदर उनको हम काउंट कर सकते हैं ठीक है दिस इज डिस्क्रिएट वेरिएबल अब कॉन्टीन्यूस वेरिएबल अ वेरिएबल हुज़ वैल्यूज इज ऑबटेन बाई मईरमेंट इस कॉल कॉन्टीन्यूस ठीक है जो मैयर करके आती है ठीक जैसे ये हाइट है ये मयरमेंट से आती है डिस्टेंस है ये मयर से फाइंड होता है मास है ये भी जो होता है ना वो मयरमेंट से आता है ठीक है कॉन्टिन्यूस मयरमेंट से और डिस्क्रिएट जो काउंटिंग से आता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं ठीक जी फ्रेंड्स अब हम थर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री में बताएंगे नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल ठीक है ये हम काउंट कर सकते हैं लोगों को ठीक है कितने स्कूल के अंदर पीपल हैं दिस मीन दिस इज डिस्क्रिएट ठीक है मास्फा मोबाइल ठीक है उसको हमने मैयर करना है ठीक है ये हमारे पास आ गया कॉन्टीन्यूस ठीक है नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथमेटिक्स बुक उसको हम काउंट कर सकते हैं दिस इज डिस्क्रीट द साइज ऑफ योर योर शेप ठीक है ये भी मयरमेंट में आ गया कॉन्टीन्यूस वेरिएबल ठीक है द वॉल्यूम ऑफ योर वाटर बॉटल दिस इज़ आल्सो कॉन्टीन्यूस क्योंकि ये भी एक मयरमेंट में आ गया कॉन्टीन्यूस वेरिएबल द नंबर ऑफ प्लेयर इन फुटबॉल टीम ठीक है ये काउंटेबल चीज़ें हैं ठीक है काउंट हम कर सकते हैं प्लेयर्स को दैन दिस इज डिस्क्रीट ठीक फ्रेंड्स ये हो गया अ स्कूल कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ अ ब्लड ग्रुप ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टूडेंट हुई इज दिस रिकॉर्ड अ डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल ठीक है ये अब हम काउंट कर सकते हैं कि इतने स्टूडेंट्स का ग्रुप जो है ना वो है दैन दिस इज डिस्क्रीट Mm -hmm. देखिये उन स्टूडेंट्स को जो है ना वो हम काउंट कर सकते हैं ठीक है एंड दिस इज डिस्क्रिएट वेरिएबल ठीक स्वेंस ये जो है ना रिकॉर्ड जो हमारा होगा वो काउंटेबल है इस वजह से जो ना, है ना डिस्क्रिएट वेरिएबल है Now, students, uh, the exercise number eleven point one is solved. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much, students, for watching my videos. Take care of yourself. Allah hafiz.